राजू का प्रमाण लिखल आए बड़ी से बड़ी बात एक एक लाइन में लिखले हुए बा बारे हमारे गुरुजी गुरुजी इस सामने ही तब ना बोलत है आपका कलम बतौली कि आपके कलम में जादू बा सच्चाई बा गुरुजी कलाकार देख के लिखल एक कई बिरहा लिखी है दस कलाकार के लिखी है लेकिन दस तरीके से लिखी है ये आजकल केहू में उतना नॉलेज है ना बा गुड़े ना बा गुरु जी में बा बड़ा बढ़िया भाव लिखना है भाव पर एक एक लाइन पर आप लोग गौर करे हैं बड़ी ऊंची ऊंची बात गुरु जी लिखले हूँ उनका लिखले हूँ मास्टर साहब बेचन गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावे हैं लेकिन हमारा अंदाज बा क्या हमारा अंदाज बा मास्टर साहब अरे आंगने में फोला फोला घेनवा जनाना दो अरे आंगने में फोला फोला घेनवा जनाना दो बाजले बधाई अरे केहू नहीं छोड़ल जागे भैया जहानावा केहू नहीं छोड़ल जागे भैया जहानावा अरे सब ही के प्यारा होला जन्म परानावा फिर भी शरीर पर बाबू ये भाई इतने ए धरती पर जे बा सबके एक दिन हारे के बा नोटिस कर लिए आप लोग जे बा चाहे अपने आप के बड़का राजा बनत हो चाहे बड़का भिखारी हो चाहे बड़का गवैया हो चाहे बड़का बजवैया हो चाहे बड़का विद्वान हो चाहे कौनो भी क्षेत्र में कोई हो लेकिन एक दिन उनके हारे के बा अच्छा आप लोग सोचवा कि बड़े बड़े विद्वान आखिर कैसे हार गई हैं ये हमारे गुरुजी के दिमाग का हरकत बा लिखत हुआ केहू नहीं छोड़ल चाहे जनवा परनवा फिर भी शरीर पर छोड़ही के का कोई चाहला कि हम मर जाई कोई ना चाहला कि हम मर जाई लेकिन आखिरकार में मरे के पड़ जाला आप क्यों जी रहे हैं ये मेरा सवाल है कि आप लोग क्यों जी रहे हैं हमार लोग भैया हाँ बिरहा गावे खातिर देखो ये तो कब मरबे ना करिए आप क्यों जी रहे हैं आप सोचवा कि हम चार गो महल बना लली 50 बीघा खेती बना लली 4-6 गो गाड़ी है इसलिए नहीं आप जी रहे हैं सिर्फ आप जी रहे हैं मरने के लिए ये तय है कि आपको मरना है जे पैदा होगा लोग के मरे के बाद तो फिर काहे के घमंड कुछ लोग घमंड करन अपने आप पर कि मैं हूं लेकिन आप कुछ नहीं है ये झूठई का घमंड करते हैं इसलिए मैं बताती हूं कि आप जी रहे हैं तो सिर्फ मरना है लेकिन गुरुजी बड़ी ऊंची लाइन आगे लिखत हूं सतयुग से का मास्टर साहब लिख लो अरे हरिश्चंद सपाही से मुख मोड़ लिया हरिश्चंद सपाही से मुख मोड़ लिया वचनबद्ध हो
के राजा पाट छोड़ दिया कि कैसे हारे के बाद वो के बलवान बा राजा हरिश्चंद्र ऐसन दानी की अपन राजपाट सब विश्वामित्र जी के स्वप्न में सौंप दलन अपने कल्लू डोम के हाथे बिक गईलन बनारस में मुर्दा फूके का काम कैलन। आखिर आप लोग सोचिए एक राजा होकर के मुर्दा फूकने का काम किए आज एक लावारिस लाश मिल जाए कोई आम इंसान से कह दा कि ओके तनी ठिकाने लगा दे तो केहू छुए के तैयार ना बा लेकिन एक राजा होकर के मुर्दा फूकने का काम किए राजा हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र जी से मुर्दा के फूकौलस बनारस के मारे वाले बड़का विद्वान बैठल हुआ। अब एकर भाव आप लोग की आखिरी में बताइए। अब आप लोगों का दिमाग हम लेके चलत बनी है के भट्टा जरूले हो अच्छा अच्छा चाचियों घरे कहा थो कि हमारे जने हुआ अब वही ले छोड़ल है ना ना तब का तब मुंह से मुंह सटे ना देनी तो के कैसे पता है महाकाल हतन अरे नशा से कर ही के ना चाहिए ना ना भैया हमार नशा मुक्त थेला नशा बहुत खराब चीज है चाचा। हाँ यार पियत हो यहाँ ले वो थनकर धुआं आई। अब आप लोगों की हम ले के चलत बनी त्रेता में मास्टर साहब। अब अरे लागल श्री राम जी के धोबी कमे हाना अरे लागल श्री राम जी के धोबी कमे हाना माता लक्ष्मण जी के वनवास ना भेलल लेकिन सीता जी साथ में गईली ओकरे बाद ए बाबू सीता हरण हो गयल एक धोबी ताना मार दलस भगवान रामचंद्र जी के। अच्छा तनवा काहे मरलस पता बा काहे भैया ओ धोबिया का धोबिनिया कोनो काम से कहानी साथ में रही बस ये लिए कि विस्तार से बताओ लगा जी तो बड़ा लंबा हो जाए। धोबिनिया कोनो काम से घर से निकल के बहरे गई लहल आ जैसे हमारे और काली नहीं 28 तारीख के ना बारिश भई लहल वही तरीके से तनी तेज बारिश होखे लगल धोबिनिया बेचारी घरे अवई में असमर्थ हो गई फंस गई तब का इनके कैसे पता इनकर बाबू खाना ना बना खेले रहने अब धोबिनिया बेचारी उधर फंस गई फंसने का मतलब बच गई ना लोग कहला के बेचारू फंस गई है। अब बेचारी वहां फंस गई धोबिनिया आई ना पावत बा यहाँ धीरे धीरे सुबेर हो गयल रात भर धोबिया जोहलस जब सुबेर हो गल देखे इतना बड़ा मुंगरा लेके मुंगरा उंगरा के का कहल जला जोने से घास हॉस्पिटल जले मुंगरवे ना अच्छा अच्छा इतना बड़ा मुंगरा लेके धोबिया वही दुआरी पर बैठल काला सा आई धोबिनिया तो यही सोकर स्वागत हो यही भेंट से उसे बतियाई
ए भैया धोबिया ले के उहे मुंगरा दुआरी पर बैठल बा, तब तक धोबिनिया पायल छम 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 बजावत आईल। धोबिया देखलस, जब धोबिया देखलस शरीर में आग न लग गई हो, क्रोध में आई के धोबिया वहीं से डांटे शुरू कैलस। डांट के कहलस कि अंदर आना मना है, नहा वहा के सब अंदर आए। धोबिनिया कहलस अरे पति देव हमके घर में ना घुसे देबा। धोबिया कलस का तू समझ थे, रात भर तोर इंतजार कैली हमके पागल समझ ले ही। पतन कैसे रहली कहां? रात भर पता नहीं कौने के साथे कैसे रात बितौली। का तू हमके भगवान रामचंद्र जी समझ ले ही? सीता के रावण चोराय के ले गल तो का वो अगरबत्ती सुलगाई के पूजा करत रहल? देखा यह दाना मरलस, अब यह ताना लगल भगवान रामचंद्र जी के। भगवान रामचंद्र जी सीता मैया के बुलौले बाबू अग्नि परीक्षा ललन। अग्नि परीक्षा में भगवान रामचंद्र जी जब अग्नि परीक्षा लेत हुआ, सीता मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई धरती माई के सामने। काली हे माई, जैसे अपने गोद से पैदा कैले हु आज अपने गोद में संभाला, नहीं तो समाज में हमारे ऊपर कलंक का टीका लगत बा। आज मर्यादा के बचा ला, सत्यता सच्चाई के दिखा दा। ए बाबू आप लोग सीरियल में देखले हुई है, टीवी में देखले हुई है, फोटो में देखले हुई है, धरती मैया फटत है और सीता जी वही में समात गई। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण है, धौर के जीसी भी खोजे शुरू कई नहीं। ये चाला कर ला उस मैया का, तकते रह गई लन। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी देखते रह गई लन, सीता जी धरती माई में समा गई। लेकिन काहे समय ली एहू का निचोड़ वही गीत के आखिरी में बताई। अब आप लोगन के हम लेके चलत मानी द्वापर युग में। अरे रखल करारा हो जोगा के आपन बाना, बार चाहत रहाल हो अर्जुन के जाना, कौरव के छुपाई के रखले रहले अर्जुन के मारे बदे। लेकिन बारे कृष्ण भगवान जेके लोग कहेला छलिया, कृष्ण भगवान छल कह गए। आखिरकार ओ बाण कर्ण को छोड़ना पड़ा। यह में बहुत बड़ा राज बा, एकर भी मतलब आखिरी में बताइए। अब आप लोगन के लेके आ जात बनी कलयुग में। कलयुग में मास्टर साहब के हारल बा, अरे सवा के कैला या ना रे जब बार बात हो, 47 में भायल जाबा देसवा या जाता सवा के आपा ने या शादी के कराना वा, के सवा के आपा ने या शादी के कराना वा, नेताजी के पहाड़ दे छोड़ा जी के में अपना देश आजाद हुआ। हमारे देश को भारत को अंग्रेज सब छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन एक शर्त रखे अंग्रेज कि देखिए जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस को अगर आप लोग जिंदा या मुर्दा हम लोगों के हवाले कर देंगे तो हम लोग हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, नहीं तो वरना हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। इतनी बतिया बाहर अपने हिंदुस्तान के कुछ, अब हम क्या बोले? गद्दार बोले, गद्दार। अब हम नहीं कह सकते, आप लोग खुद ही समझदार है। कुछ लोग ऐसे थे, बता देखा भैया? नहीं भैया, कुछ लोग नाराज हो जाए बतौले पे। कुछ लोग ऐसे थे इसी हिंदुस्तान के, हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो एक पारिवारिक परिवार से हैं। कुछ लोग वादा कर दिए अंग्रेजों
से, ठीक है, जिंदा या मुर्दा नेता सुभाष चंद्र बोस के आपके हवाले हम लोग कर देंगे। ई बतिया बाबू जब सुनलन नेता सुभाष चंद्र बोस जी, बतिया लग गई कहना बारे हमारा हिंदुस्तान जिसके लिए हमने खून पसीना बहाया। आज वही लोग उस दुश्मन पापी के हाथ में हमें जिंदा या मुर्दा दे देंगे। जिंदा तो नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मरने के बाद क्या पता, हो सकता है कि अंग्रेज के हवाले मुझे लोग कर दें। ये बतिया का पता चलल बाबू नेता सुभाष चंद्र बोस के, कहाँ चले गए? आज तक कोई पेपर, पत्रिका, कोई टेलीविजन, कुछ कहीं भी पता ना चलल कि नेता सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए। कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि फ्रांस विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हुई, लेकिन वो भी पुष्टि नहीं हुई, उसको भी लोग नहीं मानते, लेकिन नेताजी का आज तक पता नहीं चला। पूरे गाना का निचोड़ कहा, पूरे गाना का मतलब कहा, कैसे हारे क्या सबके, यही आखिरी लाइन में हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। का लिखलन? अरे बिहारी गणेश सब सामैया करावे, ये करा से केहू भी पार नहीं पावे। गौर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिहारी गणेश सब समैया करावे, ये करा से केहू भी पार नहीं पावे। दुनिया में सबसे बड़ा बलवान के बा समय, समय बहुत बड़ी बलवान बा। अगर समय चाह जाई तो आपका एक कदम आगे ना बढ़ी, और समय चाह जाई तो आप एक कदम के बजाय दसों कदम आगे बढ़ा देबा। ए लिए आप लोगों से एक बात जरूर कहबे, आप लोग बात के दिल और दिमाग में अपने मेमोरी में सेव कर लिया ना, बहुत ज्यादा खुशी में कौनो वादा लोग करी हा, आओ ना बहुत जल्दी कौनो चीज कौनो बात के आप लोग निर्णय लिया। काहे से समय बा, समय कब धोखा दे दई, कब आपके अपमानित कर दई, आप वादा करवा के ठीक हो जाला 6 बजे हम तो से मिलब जरूर, लेकिन समय ऐसा हो आई तब का चक्का जाम हो जी कहीं। हाँ, 6 बजे ना मिल पाई बा, काले का मतलब प्रत्यक्ष ही समन्वय देखला, 28 तारीख के प्रोग्राम रहल ना उमेश भाई, लेकिन समय ना चाहला, समय के चलते कार्यक्रम निरस्त हो गल। अब वो समय देखा आज 5 तारीख के चाहलस, समये का देन बा की विरह हो गई, समये से विरह शुरू भई, समये से विरह देखा खत्म होत बा, समय से सब लोग अपने अपने घरे जाई, समय के लोग दिल दिमाग मेमोरी में सेव कर लिया, कहीं भी कदम रखिया तो एक बार समय के याद जरूर कर लिया। समय कोई के छोड़ लेना बा, राजा हरिश्चंद्र जी से समय मुर्दा फुकौलस, सीता जी के ताना लगल, धरती माई में समा गई, समय का देन बा, कर्ण के बाण छोड़े के पड़ल, समय का देन बा। बाबू नेता सुभाष चंद्र जी कहाँ चले गए, समय की देन है। ए लिए हमरे आखिरी भाव में कहना बा, समय का मास्टर साहब, ए उजाला प्यारे लाल नहीं छोड़ल चाहे धारावा। ए लाइन पर हम चाहत बनी कि एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे गुरु जी का आप लोग स्वागत कर दें। एक गाना गुरु जी से फरमाइश कई लेगी, वो रहना गुरु जी तब का देखा कई साल में होला, वह तो बड़ा पस्त रही गुरु जी से एक गाना काली। गुरु जी बड़ी बढ़िया भाव आयल हमारे माई और पिता के प्रति, जैसे होला ना कि आप लोग बड़ा दीह देवता पूजेला, लेकिन घर में माई बाबू के केहू ना पूछ पावेला, कुछ मन में ऐसा भाव आयल, कुछ ऐसा चीज देखली गुरु जी के सौंप डाली। देखी गुरु जी कहिया लिख के दे ले, जब लिख के दे दिए तो वही के मास्टर साहब गाई। अब खरमास में मौके में रही हैं, लेकिन गुरु जी लिखे के बाबू लाइन के आखिरी लाइन में कहना बका मास्टर साहब, उजाला प्यारे लाल नहीं छोड़।